हल्द्वानी में हालत अब सामान्य हो चुके हैं। आपको बता दें, कर्फ्यू में प्रशासन ने 2 घंटे की ढील दी हुई है। साथ ही प्रशासन ने स्थानीय लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं की पूरी व्यवस्था की है। वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि वह प्रशासन की सेवाओं से संतुष्ट है। अस्पताल और मेडिकल स्टोर के साथ ही फल, सब्जी, राशन, सारी व्यवस्थाएं प्रशासन कर रहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि एक ये घटनाक्रम हुआ और उसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में कर्फ्यू अभी चल रहा था और उसमें अगले दिन से ही दूध, राशन, क्योंकि लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो दूध, राशन, गैस, सब्जी, फल, सभी जो जरूरी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं उनको मौके पर ही जाकर घर घर उपलब्ध कराया जा रहा है। हम लोग किसी एक कोने में जाकर जगह जगह गाड़ियां खड़ी करते हैं, लोगों को अंदर सूचना देते हैं कि भाई आप लोगों को जो सामान अपने ज़रूरत का लेना है वो आप आएँ और अपना सामान ले लें। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को कोई इमरजेंसी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, यहाँ पर मेडिकल स्टोर और अस्पताल भी खुलवा दिए गए थे उसी दिन से। जो मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए तत्काल उनको मौके पर ही पास जारी किए जा रहे हैं। एक स्टाफ थाने पर बैठा हुआ है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी हम लोग खड़े हो रहे हैं, जिसको अगर कोई किसी की बहुत ही ज़रूरी कोई आवश्यकता है जिसके लिए उसको तत्काल बाहर जाने की ज़रूरत है, उसको कहीं अपना परीक्षण करवाना है, कहीं उसका अपॉइंटमेंट किसी डॉक्टर के यहाँ है, तो सभी व्यवस्थाएँ मौके पर की जा रही हैं। देखिए, कर्फ्यू के बाद से लगातार क्षेत्र में निगरानी की जा रही है और इम्प्रूवमेंट है, माहौल बहुत तेज़ी से सामान्य हो रहा है। उसी के देखते हुए कर्फ्यू में ढील दी गई है। कुछ स्थानों पर 2 घंटे की ढील है, कहीं पर उससे अधिक ढील दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति विभागों के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है, चाहे वो दूध हो, अंडा, ब्रेड, फल, सब्जी, राशन, सभी सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही जो मेडिकल स्टोर हैं उनको खुला रखा गया है। हॉस्पिटल बनफुलपुरा का वो फंक्शनल है, वहाँ पर अतिरिक्त डॉक्टर तैनात किए गए हैं। एक पैथ लैब भी वहाँ पर फंक्शनल की गई है। साथ ही आज से टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं के लिए जो सुविधाएं हैं वो भी शुरू की गई है। फिलहाल ये है कि सब ठीक है, बेहतर है। मैम ने मेडिकल वगैरह भी, दवाई सप्लाई वगैरह के लिए अनुमति दे दी है। मेडिकल वगैरह के लिए कोई टाइमिंग वगैरह नहीं रखी है, मतलब रात तक खुल सकते हैं। बाकी जो दवाई वगैरह ख़त्म हो गई थी, हम लोगों को लाने ले जाने के लिए भी अनुमति मैम ने दे दी है। बाकी मैम ने सब अच्छे से कर रखा है। यहाँ डेली आ रही हैं, डेली जा रही हैं, 3 से 4 टाइम दूध, सब्ज़ी, सब मतलब सब अच्छे से मिल रहा है। प्रशासन का फुल सपोर्ट है, हम लोगों का भी है। बाकी अब जिन लोगों ने जो करना था वो तो करके चले गए, वो कौन थे क्या नहीं वो सब लोग देख रहे हैं। बट ये है कि मैम ने काफी सपोर्ट करा है और कर ही रही हैं। शुरू यहाँ घटना हुई है उस एरिया का, मतलब मैं तो यहाँ पे रहती हूँ, इतना तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो कुछ भी किया लोगों ने वो गलत किया। और हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, हमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यहाँ पे प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया, जो इधर फोर्स लगी हुई है इन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और हमें कोई दिक्कत ऐसी हो नहीं रही। क्या देखा आपने घटना के दिन? कैसे आप लोगों को पता? क्या सुना है मैंने घटना के दिन? ये सुना है कि वहाँ पे पथराव लोगों ने किया प्रशासन के ऊपर। इससे ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है सर।